चंद्रयान 3 के पेलोड्स ने शुरू कर दिया अपना काम। चांद का तापमान जानकर इसरो वैज्ञानिक भी रह गए तंग। कहीं 50 डिग्री तो कहीं का -10 डिग्री सेल्सियस है चांद का तापमान। चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में लगे पेलोड्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। इसरो को चंद्रयान 3 से लगातार नई जानकारियां मिल रही हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चांद की सतह पर तापमान का पता लगाया है। इसरो द्वारा जारी आंकड़ों के हिसाब से चंद्रमा की सतह के ठीक ऊपर और नीचे के तापमान में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इसरो ने ग्राफ शेयर करके इसके तापमान में अंतर को दर्शाया है। ग्राफ को देखकर पता चलता है कि चांद की सतह पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, लेकिन सतह के कुछ मिलीमीटर नीचे ही तापमान लगभग -10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसरो ने यह भी पता लगाया है कि चांद की सतह की ऊपरी मिट्टी गर्मी को नीचे जाने से रोकती है। इसी वजह से चंद्रमा की ऊपरी सतह इतनी गर्म है और वहीं निचली सतह पर तापमान माइनस में है। इसरो द्वारा जारी किया गया डाटा पूर्व में हुए लूनर मिशन के एक्सपेरिमेंट से मैच करता है। बता दें कि पहले भी अलग अलग स्पेस एजेंसी चंद्रमा की थर्मल प्रोफाइल के बारे में पता लगा चुकी हैं, लेकिन भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के निकट ऊपरी सतह और निचली सतह के तापमान में अंतर का पता लगाने वाला पहला देश बन गया है। चास्टे पेलोड का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर तापमान का अध्ययन करना और चंद्रमा की थर्मल प्रोफाइल बनाना है। चास्टे चांद की ऊपरी सतह और निचली सतह में तापमान के अंतर को मापने में सक्षम है। बता दें कि चास्टे पेलोड को तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा बनाया गया है। यहां जाने वाली बात ये भी है कि चंद्रमा की सतह पर दिन और रात के तापमान में काफी अंतर होता है। चंद्रमा पर कुछ स्थान रात के समय -200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ठंडे माने जाते हैं, जबकि अन्य स्थान दिन के दौरान 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म होते हैं। भारत का चंद्रयान 3 मिशन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और हीलियम की खोज भी करेगा। बता दें कि विक्रम लैंडर में कुल 4 पेलोड्स लगे हुए हैं, वहीं प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड्स लगे हुए हैं। इसरो समय समय पर चंद्रयान 3 से जुड़े अपडेट्स देता रहता है। इससे पहले इसरो ने ट्वीट करके लिखा था, 27 अगस्त 2023 को रोवर अपने स्थान से 3 मीटर आगे स्थित 4 मीटर डायमीटर वाले गड्ढे में आ गया। इसके बाद रोवर को रास्ते पर वापस लौटने का आदेश दिया गया। ये अब सुरक्षित रूप से एक नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।